हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए अब आपको अफगानिस्तान से टोक्यो लिए चलते हैं। आज भारत के रेसलर रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास लिख दिया। 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। अब दहिया पर इनामों की बारिश हो रही है। हरियाणा सरकार ने दहिया को 4 करोड़ का कैश प्राइज और क्लास 1 की सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। रवि दहिया की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे उनके लंबे संघर्ष और मेहनत की कहानी छिपी हुई है। आज आपको रवि दहिया की गरीबी के अखाड़े से ओलंपिक मेडल जीतने की पूरी कहानी बताते हैं। इस जीत के पीछे 13 साल की तैयारी है। गरीबी और बुरे हालात से लंबा संघर्ष है। मेहनत और त्याग की आहुति है, तब जाकर ओलंपिक में आज रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। अब मैं देखो खुश हूँ, पर मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं गोल्ड के लिए उम्मीद के साथ आया था और हमारी फेडरेशन को मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि देखो गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि सिल्वर तो हमने पहले भी जीते हैं, तो गोल्ड की उम्मीद से आया था। तो हमारी फेडरेशन काफी सहयोग कर रही है, हमारे नेताजी हैं जो भूषण सर जी, वो भी यहीं पे हमारी गुलाब जाए के लिए यहाँ पे आए हुए थे खुद, और उन्होंने मेरे से पहले ही बोला था कि भाई हमें गोल्ड मेडल चाहिए। देखो मैंने पूरी कोशिश करी, अपना 100% तो दिया है, पर मैं मतलब जो है ना कमी रहेगी कुछ, उसके लिए मैं आपसे गलती मांगता हूँ और आगे जाके मतलब जितना भी होगा और ज्यादा प्रैक्टिस करूँगा और देश का नाम रोशन। रवि दहिया की जीत पर आज इंडिया बहुत खुश है। टोक्यो के मैदान से लेकर सोनीपत के घर के आंगन तक जश्न का माहौल है। जीत गया बे, जीत गया रवि दहिया, जीत गया। जीत गया बे, जीत गया रवि दहिया, जीत गया। जीत गया बे, जीत गया रवि दहिया, जीत गया। अगली बार गोल्ड मेडल। लेकिन इस पल को लाने के पीछे रवि की दिन रात की मेहनत है। अभावों के अखाड़े से लेकर कुश्ती के मैदान तक रवि दहिया ने साबित कर दिया कि वो वास्तव में असली पहलवान है। आज आपको रवि दहिया का वो पहला अखाड़ा देखना चाहिए जहां 5 साल की उम्र में रवि ने पहलवानी का सफर शुरू किया और करीब 6 साल तक इस अखाड़े को अपनी कुश्ती का मंदिर मानकर प्रैक्टिस करते रहे। रवि दहिया ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल किया। बचपन में जब वो 5 से 6 साल की उम्र के थे तो उनके पिता राकेश जी, जो कि खुद एक रेसलर बनना चाहते थे, उन्होंने अपने सपनों को मारा और अपने बेटे को 5 से 6 साल की उम्र में ही गांव के अंदर की ही एक ज़मीन पर, जो यहां पर अखाड़ा बनाया हुआ था, उसमें भेजना शुरू कर दिया और गांव के ही एक कोच जो थे उन्होंने सिखाना शुरू किया रवि को। और रवि दहिया ने 5 से 6 साल की उम्र में ही इस ये जो खाली एक जगह है यहीं पर एक अखाड़ा बना हुआ था, हालांकि पिछले काफ़ी समय से बंद है बारिश होने की वजह से, लेकिन यहां से अपने अखाड़े का सफर शुरू किया और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करके पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। 10 साल की उम्र तक गांव के इस अखाड़े में प्रैक्टिस कर कर के रवि ने ये भरोसा पैदा किया कि वो आने वाले समय में कुश्ती के महारथी बन सकते हैं, इसलिए आगे की तैयारी के लिए दिल्ली जाना होगा। ये फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि बेटे को दिल्ली भेजकर खर्च का बोझ बढ़ाया जाए, लेकिन पिता का सपना और रवि की मेहनत के आगे ये मुश्किल फैसला लिया गया कि रवि की आगे की ट्रेनिंग दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगी। रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक्स में आज सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। और रवि का बचपन कहां पर बीता, इस वक्त हम रवि के घर में मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आंगन है यहीं पर रवि का बचपन बीता है। इसी आंगन में जब ये मकान और कच्चा हुआ करता था, यहां पर रवि ने जो कुश्ती है वो खेलनी सीखी। अभी जो तमाम आप यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं एक इंस्पिरेशन मानते हैं रवि दहिया को। रवि दहिया ने ना केवल गांव का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है।
पूरी कोशिश की कि वो गोल्ड मेडल जीतें। हालांकि जो सिल्वर मेडल है वो भी गोल्ड से कम नहीं है, और आप ये तमाम बच्चे देख लीजिए, इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देख लीजिए, कैसा लग रहा है रवि भैया ने सिल्वर मेडल जीता, क्या बोलना चाहोगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि रवि भैया ने सिल्वर मेडल जीता और अगली बार वो गोल्ड मेडल भी जरूर जीतेंगे। आप लोग भी चाहते हैं बड़े होके ओलंपिक्स में जाना, क्या करना चाहते हैं? हां, बड़े होके ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। अखाड़े जाते हो? अब यहाँ पर घोषणा की गई है कि गांव के अंदर स्टेडियम बनाया जाएगा, ये घोषणा की है, लगता है कुछ फायदा होगा उससे आप लोगों को? बहुत फायदा होगा। पिता के पहलवान होने की वजह से कुश्ती रवि को विरासत में मिली थी, लेकिन पहलवान होने के लक्षण उस वक्त दिखाई दिए जब गांव के बने अखाड़े में रवि ने पहली बार कदम रखा। साल 2003 और 2004 के दौरान रवि ने गांव के अखाड़े में अपनी तैयारी शुरू की। कोई भी काम करता जी, खेती का हो, रेसलर हो, अपने मन में ये थी अगर अपनी पूरी मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता फिर हम सोचेंगे अपना किस्मत में नहीं था, पिछला कोई हमने अच्छा कर्म नहीं किया था और हमने मेहनत करी, परमात्मा ने कोई पिछला कर्म भी ठीक था और अब भी मेहनत पूरी करी, परमात्मा ने सफलता दिखाई और ये रवि का मेडल आ गया और ये पूरे देश का भी और गांव का भी सबका सहयोग था, सबके मन में थी ये मेडल तो जरूर ले आएगा और ये गोल्ड भी ले आएगा, वो भी अच्छा रेसलर था, ये तो हार जीत तो जी चलती रहती है। लेकिन ये कोई हार नहीं है, सिल्वर मेडल बहुत बड़ा मेडल है और ये उसको काउंटर अटैक मार गया जी, वो दूसरा अटैक से रवि के ज्यादा थे जी, वो जी भाग्य की बात होती है, वो कोई ज्यादा मेहनत करेगा कोई पिछले जन्म का भी भाग्य चलता जी, हम खुश हैं जी, उसका भी गोल्ड आ गया था, ये मेहनत करेगा। रवि भैया ने बहुत मेहनत करी और सब ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सिल्वर नहीं, हमारे लिए गोल्ड से बढ़कर गोल्ड मानते हैं जी, जब ये अच्छा खेला, ये ट्रिक के खेलता था जी, फिर क्या कुछ भी ना मानना है जी, सिल्वर आ जाए कुछ भी आओ, एक खुल के खेला है ये तो जी गोल्ड के बराबर है जी, कोई कम नहीं है। रवि दहिया के पिता राकेश दहिया खुद भी पहलवानी किया करते थे, लेकिन तंगहाली के चलते अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। पिता नहीं चाहते थे कि बेटे का भी सपना अधूरा रह जाए, इसलिए एक कुश्ती गरीबी के साथ शुरू हुई। बटाई पर खेती बाड़ी करने के बावजूद बेटे को पहलवान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई साल तक राकेश दहिया रोजाना अपने बेटे के लिए दूध, फल और मेवे लेकर हरियाणा के सोनीपत के अपने नहरी गांव से दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम आते थे, जिससे बेटे की पहलवानी की प्रैक्टिस जारी रहे। पहलवानी में कामयाबी के लिए डाइट जरूरी थी, जिसके लिए रवि दहिया के पिता को खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कितनी उम्र में आपने छोड़ दिया था अखाड़े में खेलने के लिए? ये जी 6 साल का, यहाँ गांव में एक हंसराज ब्रह्मचारी करवाता था पहलवानी, और मिट्टी का खाड़ा था वहीं मैं 15-20 किलो खेती करता था और वहाँ से वो स्टेडियम में ले गया जी, कई साल जा करवा गए और महाबली के पास ले गया, महाबली फिर वो बोला उसको दूसरे बच्चा ही गला प्रैक्टिस वो करवाई जी, बहुत ये अच्छा लड़ा वो, महाबली भी बोला ये आप बहुत अच्छे लेवल में पहलवान बनाया, बढ़िया इसको छोड़ दे। खेल के मैदान में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिंदगी की कुश्ती में रवि ने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा जीतते रहे। हालांकि इस बार तयारी गोल्ड की थी, दांव भी गोल्ड का चला था और उम्मीद भी गोल्ड की थी, लेकिन कुश्ती के इस खेल में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया। परिवार इस बात पर खुश है कि बेटे ने देश का नाम रोशन कर दिया। इस सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।